इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाकया है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईना में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूरअंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और 1 खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, लेकिन खिड़की अब ख़त्म हो चुकी है। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अबासिद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गुलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियाँ एक ख़ानदान की तवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शायबा ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएँ। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आपका निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीन और आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, मतलब हमेशा नया दस्ता आता है। नंबर 9, हिजरे अस्वद।
दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हिजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हिजर अस्वद अमायाद की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हिजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप ककमार्टियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हजाज को मारकर इनकी बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हिजर अस्वद को अरब के मशरक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहाँ इसके इवज तमान वसूल किया गया। जब इनको मजबूर किया गया था कि वो इसको खलीफा इबासत को वापस कर दें, जब इसे वापस किया गया था तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। नंबर 10, खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं है। मुकब की शक्ल यानी स्क्वायर से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूटमार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर इसके असल साइज और रकबा के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कदर की जानिब इशारा करती थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे का बाइस बनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।